इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ अभी एक ट्रेन रुकी है और उसके बाद के दृश्य भी हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से लोग अपना सामान ढोने के लिए देना ही नहीं चाहते हैं, बार्गेनिंग होती है बार बार। और यहाँ पर हमारे साथ वो लोग हैं जो ये काम करते हैं, लोगों का सामान उनकी निश्चित जगह पर पहुँचाते हैं। आइए सीधा सीधा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राधेश्याम। तो राधेश्याम जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते? 30 साल हो गए। 30 30 साल हो गए। अभी क्या उम्र है? अब लगा लो करीब मेरी उम्र 45-47 के समथिंग। 47, मतलब बड़े छोटी उम्र में आप यहाँ पर आ गए थे। 18-19 साल के। तो अब चीज़ें बदल गई पहले से? पहले से बदली हुई है, सारी चीज़ बदली हुई है। पहले तो इतना ये इनमें व्हील व्हील नहीं थे। पहले तो आदमी बक्सा या फिर कोई बैटिंग लेके चलता था, अब तो खुद ही ले जाते हैं। काम इतना है कहाँ, काम नहीं है इतना। क्या नाम है आपका? रघुवीर है जी। रघुवीर जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर काम करते हुए? 10-12 साल हो गए सर। 12 साल हो गए, बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है? हाँ जी, बदलाव तो पूरा। क्या? पूरी साफ सफाई और प्रोग्राम काम, सब जगह पत्थर वत्थर, वैसे काम फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बढ़िया चल रहा है, रेलवे सही कर रही है। हाँ, वैसे तो काम सही कर रही है। यहाँ स्टेशन पर और भी सुविधाएं होनी चाहिए, आप लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए। हाँ साहब, सुविधा तो होनी चाहिए ना कुछ न कुछ। क्या आपकी इच्छा हो जो सुविधा कर दो। देखो, हमारी इच्छा से नहीं होता है, आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो। अब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कितने टाइम हो गया आपको? 12 साल हो गए। 12 साल, तो 12 साल में आपने बदलाव देखा है यहाँ? क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ? सब मुख्य बदलाव तो सफाई का है, जैसे ग्रीन टॉयलेट लगे हैं ट्रेनों के अंदर, और टाइमिंग है ट्रेनों की वो सच अच्छी है। पहले लेट ज़्यादा होती थी ट्रेनें, अब इतना ज़्यादा लेट नहीं होती है। एक्सलेटर लग गए, पैसेंजरों को भी सुविधा है, बाकी हमें काम कम मिलता है एक्सलेटर की वजह से। अच्छा, आप लोगों को काम क्यों कम मिलता है? एक तो व्हील हो गया, दूसरा एक्सलेटर हो गए। जो व्हील और एक्सलेटर से आपका जो है काम कम हो गया, लेकिन जो मजदूरी है यानी सामान की ढुलाई है वो बढ़ी नहीं बढ़ी? वो 4 साल हो गए बढ़े हुए। 4 साल हो गए, तो महंगाई इतनी ज़्यादा है और उसके बाद भी नहीं बढ़ा, तो कोई आप लोगों की मांग है कि इसे बढ़ाया जाए? मांग बिल्कुल क्यों नहीं है, महंगाई के देखते हुए हमारी मांग तो अवश्य बढ़नी चाहिए। दिन भर में कितना आप, मोटा मोटा अगर हम बोलें तो क्या आपका घर चल जाता है, इतना कमा लेते हैं? देखो, घर चलने की बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, अच्छी एजुकेशन नहीं दिला सकते उनको हम, नहीं हम अच्छा घर बसा सकते, बस ऐसा है, रोटी दाल रोटी का टाइम चल जाता है। रेलवे कोई सुविधा देती? रेलवे को सुविधा पहले हमें वर्दी मिलती थी, पास तो वर्तमान में मिल रहा है, बाकी वर्दी भी नहीं मिली, कई वर्ष हो गए हमें जो वर्दी मिलती थी ना वो नहीं मिल रही है। और सुविधा की बात करें आप, हमारा कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, नहीं हमें कोई एजुकेशन के लिए बच्चों की कोई वो है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है हमें रेलवे से। यहाँ पर कुली है इस जगह पर 1478 लोग हैं, तो आप लोगों की यूनियन भी होगी, तो कोई मांग उठाते नहीं उठाते आप? उठाते हैं, लेकिन सुनता कौन है मजदूर वर्ग की। यहाँ पर आप समझिए, ये कहीं ना कहीं अंदर का दर्द है कि सुनता कौन है, लेकिन जैसा दावा किया जा रहा है अब सरकार सुनने वाली आई है। आपको लगता है सरकार सुनती है? हाँ, सरकार तो कहाँ सुनती है, सुनती है तो बात ही बन जाती ना। अब यार कोई सरकार माहौल ही नहीं उठाती गरीब आदमी का, तो ये तो सोचो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, क्या नाम है आपका? पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी, कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल। 10 साल से आप यहाँ पर हैं, कोई बदलाव नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, पहले भी बदलाव है सब। क्या बदलाव है? काफ़ी बदलाव हो गया सब। अब ये क्या है, मजदूरी तो कम हो गई, पहले भी एस्केलेटर लग गए, लिफ्ट लग गई, काफ़ी आधुनिक हो गया। लेकिन आप लोगों की कमाई उमाई बढ़ी कुछ? कमाई तो कुछ नहीं है, तो गुजारा चल रहा है साहब, और क्या है। तो ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? अब चलेगा जब तक चलता रहेगा, अब क्या करें साहब, जीवन है ये तो चलता ही रहेगा। यहाँ पर आप समझिए, इन लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं निराशा का भाव नजर आता है, और इसको बदलने की जरूरत है, और इनके लिए कहीं ना कहीं समावेशी विकास की जरूरत है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दिल्ली।